दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप हर दिन सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन बस से सफर करते हैं तो आपका सफर अब और आसान बनने वाला है। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले करोड़ों लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। तो ये राहत क्या है और इससे क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ने अधिकृत बैंकों और नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जारी करने वालों को ऐसे पीपीआई जारी करने की अनुमति दे दी है जिसकी मदद से आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भुगतान कर सकेंगे। पीपीआई क्या होता है वो हम आपको एपिसोड में आगे बताएंगे। आसान शब्दों में समझे तो अब बैंक और पीपीआई जारीकर्ता ऐसे कार्ड या वॉलेट जारी कर सकेंगे जिसकी मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले तेजी के साथ डिजिटल तरीके से टिकट का भुगतान कर पाएंगे। आपको तो मालूम ही होगा कि टिकट का भुगतान करने में कितना समय लगता है, काफी समय बर्बाद होता है, तो अब वो समय की बचत हो जाएगी कार्ड जारी करने के बाद। तो क्या है आरबीआई का कदम, जान लेते हैं विस्तार से। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई के मास्टर डायरेक्शन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार बैंक और नॉन बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद अलग अलग तरीके के पीपीआई जारी कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक के मुताबिक देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर दिन के हिसाब से बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवाएं देता है। आने जाने की सेवाएं पाने के लिए यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा, भुगतान में तेजी और किफायती सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम पीपीआई को जारी करने की मंजूरी दी गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये कदम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अब जान लेते हैं कि क्या होता है पीपीआई। पीपीआई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें जमा किए गए पैसों की मदद से सामान या सेवाओं के लिए भुगतान या फिर पैसों का लेन देन किया जा सकता है। इन पीपीआई में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीधे बैंक खाते की मदद से रकम को जमा किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई को बैंक या नॉन बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद जारी कर सकते हैं। फिलहाल देश में आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अमेजन, बजाज फाइनेंस पीपीआई जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अच्छी खबर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सफर करने वालों के लिए। सफर करना अब आसान हो जाएगा क्योंकि टिकट के लिए भुगतान करना अब आसान हो जाएगा आरबीआई के इस कदम के बाद। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा और पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।